गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम ME202 सब्जेक्ट जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स है, इस सब्जेक्ट में पेल्टन व्हील के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है जनरली एग्जाम में आती हैं, पूछी जाती हैं पेल्टन टर्बाइन से रिलेटेड, और जिसमें काफ़ी सारे पेल्टन टर्बाइन के बारे में जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो कुछ पॉइंट या जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो किस तरीके से इस तरह इसमें काम में आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने जो लिखी हुई है मैं उसको पढ़ के भी बता रहा हूँ। पेल्टन व्हील या पेल्टन टर्बाइन, इस पेल्टन टर्बाइन का जो रनर व्हील शेप होता है इसलिए इसको व्हील बोल दिया गया। पेल्टन टर्बाइन या पेल्टन व्हील एक ही चीज़ है। ए पेल्टन व्हील हैज ए मीन बकेट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये बकेट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है प्रॉब्लम में, ओके, जो कि हम यू से जो डिनोट कर रहे थे बार बार जो है बकेट स्पीड स्मॉल यू से, तो वो चीज़ दिया हुआ है। विद अ जेट ऑफ वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 700 लीटर पर सेकेंड, तो ये फ्लो रेट दिया हुआ है, यानी कि वाटर का फ्लो रेट, वाटर का डिस्चार्ज दिया हुआ है 700 लीटर पर सेकेंड अंडर ए हेड ऑफ 30 मीटर। यहाँ पे हेड की वैल्यू भी दे दी, और डेफिनेटली हेड लिखा है तो ये नेट हेड है 30 मीटर, ओके। द बकेट डिफ्लेक्ट द जेट थ्रू एन एंगल ऑफ 160 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो हमने जो वेलोसिटी ट्रायंगल जब डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने देखा था एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया गया है जेट के लिए 160 डिग्री। कैलकुलेट द पावर गिवन बाई वाटर टू द रनर, हमें पावर कैलकुलेट करना है जो कि वाटर जो है रनर को जो दे रहा है, एंड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो ये दोनों टॉपिक जो हम लास्ट पिछले जो वीडियो थे उनमें हमने डिस्कस किए कि पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, उसको हम देखेंगे फिर अभी। अज्यूम कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एज 0.98, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी दिया हुआ है क्योंकि डायरेक्टली हमें वेलोसिटी ऑफ जेट नहीं दिया है इसलिए कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के थ्रू हमें वो कैलकुलेट करना है, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे दी है सी वी की वैल्यू, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रॉब्लम में गिवन डेटा क्या क्या है, अगर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आता भी तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ भी हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें जो गिवन डेटा है उनको सबसे पहले लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट में सॉल्यूशन के फर्स्ट में जो है हमने गिवन डेटा जो है वो लिख लिए। तो गिवन डेटा में क्या क्या है, स्पीड ऑफ बकेट ये हम देख रहे थे कि यहाँ पे मीन बकेट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड दिया है, और यहाँ पे पेल्टन के केस में U1 और U2 जो है सेम होता है इसलिए U1 इज़ इक्वल टू U2 10 मीटर पर सेकंड। देन हमारे पास में डिस्चार्ज ऑफ वाटर दिया हुआ है Q = 700 लीटर पर सेकेंड, इसको हम मीटर क्यूब पर सेकेंड में दूसरी यूनिट में, क्योंकि हम कंफर्टेबल होंगे इस यूनिट में चेंज करना, तो हमने MKS यूनिट में ले लिया है SI यूनिट में, कि 0.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 700 लीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा, 0.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ओके। हेड ऑफ वाटर H = H = 30 मीटर गिवन है, ये दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे थे वो चीज़ दिया हुआ है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 160 डिग्री। देन इससे हमें एंगल जो है बीटा टू जो है वो मिल जाएगा, यहाँ इस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया हुआ है तो एंगल बीटा टू हम कैसे 180 - 160 20, ये हम कैसे, मैं आपको दोबारा से उस पर लेके चलता हूँ वेलोसिटी ट्रायंगल पे, वहाँ से हम देखते हैं कैसे कि ये वेलोसिटी ट्रायंगल है पेल्टन के लिए, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो वेलोसिटी ट्रायंगल जो है ये यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है कि जेट जो है किस एंगल से डिफ्लेक्ट होती है, यहाँ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इस प्रॉब्लम में 160 डिग्री दिया, 160 डिग्री, तो हमें एंगल ये चाहिए होता है, हमारे काम का होता है बीटा टू, तो यहाँ ये एंगल जो है कितना होगा, ये इस एंगल के बराबर, यानी कि ये 160 डिग्री है, तो ये एंगल अगर देखें तो ये एंगल जो है कितना आ जाएगा 180 - 160 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री इधर, ये एंगल इस लाइन के और ये बीटा टू, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये सिंपल मैथमेटिक्स, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, तो बीटा टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, ये पूरा 180 है, माइनस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन करें तो उसके बीटा टू की वैल्यू, ये वैल्यू जो है ये बीटा टू की आती है, तो बीटा टू जो है ये एंगल जो है
क्योंकि ये हमारे आगे काम में आएगा VW2 कैलकुलेट करने में, इसलिए हमने इसको निकाला कि बीटा इक्वल टू 180 माइनस 160 डिग्री, तो ये 20 डिग्री आ गई इसकी वैल्यू, बीटा टू की वैल्यू 20 डिग्री। ओके, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV की वैल्यू 0.98 ये प्रॉब्लम में दी हुई। तो ये सब डेटा जो है हमें प्रॉब्लम में जो है दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमने वो डेटा लिख लिए जो प्रॉब्लम में दिए हुए हैं। अब हमें आगे जो पावर के लिए और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के लिए हमें आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला जो है वो क्या क्या, हमें क्या लगे VW1 चाहिए, VW2 चाहिए, UV1 है, तो ये वैल्यू हमें चाहिए, बीटा टू हमने निकाले, तो VW1 और VW2 को हमें सबसे पहले वो फाइंड आउट करनी है उनकी वैल्यू। तो अब हम अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ वर्ल, VW1 क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट इनलेट होता है, तो उसको हम देख चुके हैं वेलोसिटी ट्रायंगल में, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि VW1 जो है इक्वल टू V1 होता है। ओके, V1 के बराबर उसकी वैल्यू होती है, तो V1 की वैल्यू हमने कैसे निकाली, V1 की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ जेट है, ये हमने कैसे निकाली, ये निकाली हमने, एक रिलेशन होता है इसका, V1 इक्वल टू CV इंटू रूट टू GH। ओके, यहाँ पे H दिया हुआ है CV की वैल्यू, तो CV 0.98 ये वैल्यू रखी हमने, इंटू 2 G की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 30 मीटर। ओके, सारी वैल्यू हमने सेम यूनिट सिस्टम में रखनी है, आपको यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, अदरवाइज जो है न्यूमेरिकल में फिर लास्ट में दिक्कत आएगी, तो यूनिट का आपको विशेष ध्यान रखना। तो ये जो है सेम यूनिट सिस्टम में हमने रखा, तो ये सब वैल्यू रखी, तो हमारे कैलकुलेट किया है इसको, तो V1 की वैल्यू जो है 23.78 मीटर पर सेकेंड, ये V1 की वैल्यू जो है निकल के आई है, वेलोसिटी ऑफ जेट। तो VW1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वर्ल, VW1 इक्वल टू V1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी सेम हो जाएगी। तो VW1 तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये वैल्यू आ गई, उसके बाद में हमें VW2 और चाहिए, VW2 के लिए सबसे पहले फिर हमें VR2 चाहिए, वो सब क्योंकि हम फॉर्मूला देख चुके हैं, क्योंकि VW2 का फॉर्मूला जो वेलोसिटी ट्रायंगल से ये आता है, इसको मैं अभी बताऊंगा, तो उससे पहले हमें VR2 चाहिए, VR2 से पहले हमें VR1 चाहिए। तो VR1 क्या आता है, VR1 इक्वल टू V1 माइनस U1, ये पहले भी बता चुके, फिर दोबारा से आपको बताता हूँ कि VR1 जो है वेलोसिटी ट्रायंगल जो है ये पेल्टन टर्बाइन के लिए वेलोसिटी ट्रायंगल, तो इनलेट पे जो वेलोसिटी ट्रायंगल होता है पेल्टन टर्बाइन, वो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो VR1 क्या आ जाएगा, VR1 जो है ये हो जाएगा, VR1 ये VR1 जगह ये V1 है, ये पूरा यहाँ से A2C, तो VR1 इक्वल टू हो जाएगा B2C, VR1 इक्वल टू V1 माइनस U1, दिस डिस्टेंस AC माइनस AB करेंगे तो VR1 आ जाएगा, तो V1 माइनस U1 अगर कर देंगे तो VR1 की वैल्यू, वही हमने किया है, VR1 इक्वल टू V1 माइनस U1, और U1 और U2 दो है, दोनों सेम है। पेल्टन टर्बाइन के केस में इनलेट पे बकेट स्पीड और आउटलेट पर बकेट स्पीड कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है, तो U1 और U2 जो है हम सेम रखेंगे U के बराबर, तो VR1 इक्वल टू V1 माइनस U। V1 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 23.78 माइनस में U की वैल्यू गिवन है प्रॉब्लम में 10 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस 10, तो ये VR1 की वैल्यू आ गई 13.78 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें पता है VR1 और VR2 दोनों जो हैं सेम, ये कदम से हम लेके चले कि सरफेस जो है स्मूथ है, कोई भी लॉसेस जो है नहीं हो रहे रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट और आउटलेट दोनों जगह सेम होगी, तो VR2 इक्वल टू VR1 जो कि अभी हमने जो देखा 13.78 मीटर पर सेकेंड, तो ये VR2 की वैल्यू आ गई। अब हमें VW2 चाहिए, VW2 कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इस फॉर्मूले से आएगा, और ये फॉर्मूला जो है कहाँ से आता है, ये आता है वेलोसिटी ट्रायंगल से, कि VW2 इक्वल टू, ये दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि VW2 कैसे निकालते हैं, कि आउटलेट पे ये वेलोसिटी ट्रायंगल बन रहा है, आउटलेट पे ये वेलोसिटी ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें ये VR2 है, ये U2 है यहाँ से यहाँ तक, और ये VW2 है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को भी मार्क कर दूँ, ये अगर पॉइंट जी है, तो DE इक्वल टू VR2, EG इक्वल टू U2, GF इक्वल टू VW2 एंड DF इक्वल टू VF2, तो हमें चाहिए VW2 चाहिए, VW2, तो आपके पास में अगर VR2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं VR1 के बराबर, VR2 हमें पता है, Beta2 की वैल्यू 20 डिग्री हम कैलकुलेट कर चुके हैं वो हमें पता है, तो हमें ये वेलोसिटी पता है, ये एंगल पता है, इन दोनों के हेल्प से हमें VW2 कैलकुलेट करना है। तो VW2 जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि 90, एक एंगल इसमें 90 डिग्री है, ये जो एंगल है F जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें जो है पता है क्या होता है कि cos बीटा 2
इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये एंगल अगर बीटा टू, ये एंगल है कोस बीटा टू, इक्वल टू हो जाएगा दिस ई एफ अपॉन ई डी। ओके, तो हमें ई एफ अगर पता करना, ये अगर चीज़ देखें ई एफ इजक्वल टू, तो हो जाएगा वी आर टू कोस बीटा टू, वी आर टू कोस बीटा टू। ठीक है, हमें वी डब्ल्यू टू पता करना है, तो वी डब्ल्यू टू क्या हो जाएगा ई एफ माइनस ई जी अगर करें तो ये वी डब्ल्यू टू आ जाएगा, और ई एफ की वैल्यू हम वी आर टू कोस बीटा टू, तो वी आर वी डब्ल्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी वी आर टू कोस बीटा टू, उससे ई एफ आएगा वी आर टू कोस बीटा टू, से ये ई एफ आएगा वी आर टू कोस बीटा टू माइनस यू टू अगर कर देंगे तो ये वी डब्ल्यू टू की वैल्यू आ जाएगी। वही हमने किया है इस प्रॉब्लम में कि वी डब्ल्यू टू इजक्वल टू वी आर टू कोस बीटा टू माइनस यू टू, और यू टू और यू वन जो है सेम है यू के बराबर, तो वी आर टू कोस बीटा टू माइनस यू। वी आर टू की वैल्यू हम देख चुके हैं 13.78 निकाल चुके हैं, 13.78 इंटू कोस बीटा टू की वैल्यू 20 डिग्री, तो कोस बीटा टू कोस 20 डिग्री माइनस में यू जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको जब कैलकुलेट किया तो वी डब्ल्यू टू की वैल्यू ये आई 2.95 मीटर पर सेकेंड, ये वी डब्ल्यू टू की वैल्यू। तो ये रिलेशन जो है बहुत ही मेरे की, ये कैसा आया, ये वेलोसिटी ट्रायंगल से आया, उसके बाद तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो वी डब्ल्यू टू की वैल्यू भी हमारे पास में आ गई। सो वी डब्ल्यू टू वन की वैल्यू हमारे पास में आ गई, वी डब्ल्यू टू की आ गई। इसके बाद में हम देखते हैं आगे फर्दर इस प्रॉब्लम में कि वर्क डन जो है कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, सो वर्क डन, वर्क डन बाई द जेट पर सेकेंड ऑन द रनर, ये वर्क डन का फॉर्मूला जो हम पहले निकल चुके, पहले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स एग्जर्टेड इनटू वेलोसिटी ऑफ बकेट, तो फोर्स एग्जर्टेड का फॉर्मूला है इनटू वेलोसिटी, तो रो ए वी वन ब्रैकेट वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इनटू यू, यू इज द बकेट वेलोसिटी, इससे ये वर्क डन का फॉर्मूला आता है वर्क डन पर सेकेंड। ये चीज़ ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो आया है फोर्स इंटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से आया है, तो वर्क डन पर सेकेंड है, अगर फोर्स इंटू डिस्टेंस करते हैं तो ओनली वर्क आता है, तो वर्क डन पर सेकेंड आया है क्योंकि वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें। सो रो ए वी वन, हमारे पास में इसमें एरिया दिया हुआ नहीं, यहाँ पे ए वी वन हमें डिस्चार्ज की वैल्यू दी है, तो डिस्चार्ज हमें पता है एरिया इंटू वेलोसिटी जो है डिस्चार्ज होता है, तो एरिया यानी कि जेट का एरिया इंटू जेट की वेलोसिटी से ये जेट के लिए डिस्चार्ज की वैल्यू, तो एरिया इंटू वेलोसिटी डिस्चार्ज होता है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी की जगह हम डिस्चार्ज लिख देंगे, तो रो क्यू इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू, बाकी सब सेम, तो इसकी जगह डिस्चार्ज दिया हुआ है तो हम डिस्चार्ज लिख लेंगे। रो इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर जो है जेट से फ्लो रहा है, तो वाटर की डेंसिटी 1000 के जी पर मीटर क्यूब, डिस्चार्ज 0.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो हम देख चुके हैं पीछे वैल्यू दी हुई है प्रॉब्लम में। वी डब्ल्यू वन की वैल्यू हमने ये निकाली थी इससे पहले 23.78, वी डब्ल्यू टू की वैल्यू अभी निकाली थी 2.95, इंटू यू की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, ये सभी वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में है, डिस्चार्ज जो है मीटर क्यूब पर सेकंड है, और डेंसिटी जो है वो केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क डन पर सेकंड जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 187110 न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये जो है वैल्यू आई है वर्क डन। तो वर्क डन का अगर हम यूनिट देखें न्यूटन मीटर होता है, बट यहाँ पर सेकंड आया क्योंकि पहले ही हम बात कर चुके हैं कि ये वर्क डन पर सेकंड आएगा क्योंकि वेलोसिटी से मल्टीप्लाई, तो ये वर्क डन पर सेकंड आया। और वर्क डन पर सेकंड जो है वही पावर होता है, पावर इजकल टू क्या, पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम वही होता है, तो ये सिंपली अगर हम देखें तो ये पावर निकल के आया है कि पावर जो है रनर को जो है वाटर जो है कितनी पावर जो है दे रहा है। सो पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर क्या हो जाएगा, ये इसको वाट के बराबर हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकंड जो है वाट होता है, पावर का यूनिट वाट, अगर किलोवाट में अगर आपको चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये वैल्यू 187110 अपन में 1000 कर दिया तो वैल्यू आई 187.11, ये किलोवाट आया क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर, सिंपली अगर वाट में पूछे तो ये वाट है, न्यूटन मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू वाट। ओके, तो ये पावर निकाली, तो हमसे दो चीज़ पूछी गई थी न्यूमेरिकल में, फर्स्ट जो है पावर, तो पावर हम निकाल चुके हैं, पावर का तो ये आ गया है आंसर। दूसरा हमसे पूछा गया था कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी टरबाइन की कितनी है, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है हम पिछले वीडियो लेक्चर में ही निकाल चुके हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है 2 इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू अपॉन में वी वन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है।
ओके, ये फॉर्मूला जो है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का, ये तो इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं, वी डब्ल्यू वन की वैल्यू हमारे पास में 23.78, वी डब्ल्यू टू की वैल्यू है 2.95 इंटू यू 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन में वी वन स्क्वायर 23.78 मीटर पर सेकेंड होता है तो इसका स्क्वायर। तो ये सब वैल्यू हमने जब रखी इस फॉर्मूले में कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास में आया आंसर 0.9454, और परसेंटेज में अगर निकालें तो 94.54% ये आया है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन, ये निकल के आया परसेंटेज। तो इस तरीके से हम जब पेल्टन के ऊपर इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं तो हमें जो है इस तरह से उनको फॉर्मूले को काम में लेते हो, इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है बन। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने इस प्रॉब्लम में जो है वेलोसिटी ट्रायंगल जो है बनाया नहीं, क्योंकि मेरे पास में पिछले लेक्चर का बनाया हुआ था तो मैंने वहीं से आपको समझाया। बट आपको ध्यान रखना अगर प्रॉब्लम इस तरीके से तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और बाकी अगर मार्क्स वाइज देखा जाए तो भी अच्छा कि आप वेलोसिटी ट्रायंगल डेफिनेटली बनाएं। पहले सबसे पहले प्रॉब्लम वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएं, क्योंकि उससे समझाना और खुद के लिए समझना बहुत ईजी रहेगा। तो वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएं, उसके बाद में गिवन डेटा क्या है वो लिख लीजिए, उसके बाद में फर्दर स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इस तरीके से सोल्व कीजिए। तो ये पेल्टन टर्बाइन के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरीके से आता है वो था। ओके, थैंक यू।